बड़ी सी बुक है ना, इसीलिए बहुत बड़ी बुक है, इसलिए इसका नाम है बिग बुक। बिग मतलब बड़ा, बुक मतलब किताब, है ना, बड़ी सी बुक। इसमें देखो कितने बड़े बड़े चित्र है ना, किस चीज का चित्र बना है? हाँ, ये किसका है? हाथी। ये क्या है? बकरी। बकरी। और ये? गुलकी। ये गिलहरी है। और ये खरगोश है ना। तो इसमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, हाथी और बकरी की कहानी। तो चलो अब हम इसे खोलें। देखो पहले में क्या है? अरे वाह, ये किस, देखो क्या है ये? हाथी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जंगल में एक हाथी सो रहा था ना, जंगल में एक हाथी सो रहा था। ये देखो क्या है? गिलहरी और खरगोश वहां खेल रहे थे। कौन है? देखो ये गिलहरी है और ये खरगोश, ये हाथी के आसपास क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हाँ, फिर खेलते खेलते वे दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। खेलते खेलते वो क्या हुए? हाथी के पीठ पर चढ़ गए ना। हाँ, ये देखो, अरे ये हमारे देखो एक हाथी बनी हुई है, ये देखो रिया है ना। तो क्या हुआ? गिलहरी और जो खरगोश थे वो हाथी के पेट पर के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे के चित्र में क्या दिख रहा है? अच्छा, तभी वहां एक बकरी भी आई है ना। देखो अभी तक तो गिलहरी और वो थे, अब ये बकरी भी आ गई। फिर बकरी भी हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। अब देखो बकरी भी उसके पीठ पर चढ़ रही है, यहाँ तो खड़ी थी, अब यहाँ पर चढ़ रही है, इनको देख करके चढ़ रही है ना। हाँ, फिर क्या है? अरे फिर देखो क्या हो गया, अचानक हाथी सोकर उठा, तीनों उसकी पीठ से गिर गए। इतने में क्या हुआ? गिर गए। हाँ, वो उठ गया, सो करके उठ गया हाथी, और ये तीनों के तीनों गिर गए है ना। फिर आप देखो इस वाले, देखो चित्र में क्या है? हाँ, ये इस वाले देखो, यहाँ पे देखो ये हाथी है, और देखो क्या है, गिलहरी और खरगोश भाग गए, मगर बकरी वहीं खड़ी रह गई है ना। तो क्या ये देखो, ये दोनों भाग रहे ना, लेकिन बकरी क्या है? हाथी के साथ ही खड़ी है। फिर अब देखो क्या होता है, वे दोनों दोस्त बन गए है ना। हाँ, तो ये तो दोनों भाग गए थे, लेकिन बकरी जो है वो उसकी दोस्त बन गई, और हाथी देखो खुद ही उसको उसको उसके पे, वो अपने पीठ पर बिठा लिया ना। चलो तो क्या है इस कहानी में, बताओ कितने जानवर हैं? कितने हैं? चार हैं। वेरी गुड। कौन कौन से हैं जानवर? हाँ, बकरी है, खरगोश है, गिलहरी है। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ इसमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। हाथी। और सबसे छोटा? गिलहरी। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा हाथी है ना, फिर उससे छोटा कौन है? नहीं नहीं, ये चारों में बताओ कि कौन सबसे बड़ा है, फिर कौन छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? ये हाथी। फिर उससे छोटा कौन है? गिलहरी। नहीं यार, तो फिर बकरी है। फिर उससे छोटा कौन होता है? खरगोश। फिर सबसे छोटा? गिलहरी है ना। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा ना। अच्छा अब इसको उल्टा बताओ, इन चारों जानवरों में सबसे छोटा कौन है? गिलहरी। गिलहरी है। फिर गिलहरी से बड़ा जानवर कौन सा है? खरगोश है। फिर उससे बड़ा कौन है? बकरी है। फिर उससे भी बड़ा हाथी। हाँ, तो ये एक क्रमबद्धता भी है। क्या है? एक क्रम है, एक ना, बड़े से छोटा, फिर छोटे से बड़ा। तो बड़े से छोटे वाले क्रम को कौन सा क्रम कहते हैं? बड़े से मतलब कोई बड़े बड़ा जानवर से फिर छोटे जानवर की तरफ, ये कौन सा क्रम होता है? अवरोही है ना। और छोटे से बड़े की तरफ आरोही। ठीक,
तो इस कहानी से एक तो हमें देखो इनकी दोस्ती के बारे में पता चला, फिर कौन सा जानवर छोटा है बड़ा है ना, उसके बारे में भी पता चला, और क्या पता चला हमें बताओ। हाँ दोस्ती के बारे में पता चला, और सब लोग बताओ दोस्ती के बारे में। ठीक है, और बड़ा छोटा दोस्ती है ना, और ये भी पता चला कि देखो हमें ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए ना, है कि नहीं। हाँ सब, अगर वो सो रहा था तो उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए ना।